बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो गन्ना हमने मार्च अप्रैल के दौरान काश्त किया है, अगर वो मानसून सीज़न के बाद तकरीबन 10 फुट का हो गया है और उसके निचले पत्ते खुश्क होना शुरू हो गए हैं और उसकी टोटियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में इसका अब वज़न बढ़ाने के लिए और गन्ने को मज़ीद लम्बा करने के लिए मैं चार ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। उनमें पहला ऑप्शन ये है, जो अक्सर काश्तकार करते भी हैं, कि वस्त सितंबर से वस्त अक्टूबर के दौरान एक बोरी कैन ग्वारा, इसके साथ एसओपी की एक बोरी, ये फ्लड करते हैं। इससे गन्ने का वज़न बढ़ जाता है, गन्ना गिरने से भी काफ़ी हद तक महफूज रहता है। कैन ग्वारा और एसओपी की बजाय बाद काश्तकार जो ना वो यूरिया खाद के साथ एसओपी इस्तेमाल करते हैं। ये पुरानी टेक्निक है, मैं इसको समझता हूँ कि नंबर वन नहीं है, ये नंबर चार की टेक्निक है। पहले इसलिए ज़िक्र किया है कि काश्तकारों को ये हर जगह से आसानी से ये अवेलेबल है, आप इसकी कीमत वगैरह देखकर इसको पेश नज़र रखें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, जिसको मैं नंबर वन ऑप्शन कहता हूँ एक लिहाज से, कि सबसे ये इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है, कि वस्त सितंबर से वस्त अक्टूबर के दौरान दो मरतबा आप 25 किलोग्राम नाइट्रोपोटाश FMC। नाइट्रोपोटाश आपको पता है कि 1444 जो है, 14 नाइट्रोजन फास्फोरस इसके अंदर नहीं है, 44% इसके अंदर सालुबल पोटाश है, या स्वात एग्रो की 13-243, इन दोनों में से कोई एक हो जाए। एक बोरी आप वस्त अक्टूबर के दौरान और एक वस्त सितंबर के दौरान फ्लड कर दें, ये 1500 मन गन्ना लेने वाले जो है ना उनके लिए ये बहुत उनको काफ़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी पोटाश जो है ना फौरी तौर पर अवेलेबल है इसके अंदर, और थोड़ी बैलेंसर के तौर पर नाइट्रोजन भी इनके अंदर मौजूद है। खुद बनाने की बजाय SOP और कैन ग्वारा या SOP और यूरिया बनाने की बजाय ये बनी बनाई ऑप्शन है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती है। नंबर वन पे मैं इसको पोजीशन को समझता हूँ। एक ऑप्शन ये है, इन सब की बजाय, इन दोनों की बजाय देखें, आपने कीमत का भी तो देखना ना, अगर कीमत ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप बंदा कहता है कि अगर ये चारों ऑप्शन ऐड पा रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो क्यों ना कम कीमत वाला रख लिया जाए। वो ये है कि 2 किलोग्राम माइक्रोबोरान, ये स्वात एग्रो की है, और 2 लीटर आल्टम के, देखेंगे एक तरफ पोटाश की पूरी बोरी और 2 लीटर आल्टम के, ये कम तो नहीं है। जी बात सुने, आपको पता है ना कि विटाको 6 से 8 किलो कमाद के लिए वो सुजेस्ट की जाती है, और 740 ग्राम की पुड़ी है, वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी 6 या 8 किलो है। तो ये आप जदीद टेक्नोलॉजी में ये कैप्सुलेशन इनकी इस तरह की हो चुकी है कि क्वांटिटी जो है ना वो उसका कोई माना नहीं है, क्वान्टिटी जो है ना वो जाके इस तरह काम करती है कि पूरी की पूरी अवेलेबल हो जाती है। तो इस ऑप्शन को आप, ये जदीद तरीन ऑप्शन है, आप इस पर गौर करें कि 2 किलोग्राम माइक्रोबोरान, बोरान जो है ना ये ज़मीन के अंदर कैल्शियम को मोबिलाइज़ करती है, कैल्शियम जब चालू हो जाता है तो गन्ने का जो कादा है वो खुद बढ़ता है। 2 किलोग्राम माइक्रोबोरान और 2-3 लीटर आल्टम के, एक मरतबा वस्त सितंबर के दौरान और एक मरतबा वस्त अक्टूबर के दौरान आप इसको फ्लड करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे भी ये मैंने क्या डाल दिया है। तो एक ऑप्शन जो मेरा बड़ा फेवरेट ऑप्शन है वो ये है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान 3 मरतबा करके 20 दिन के वक्फे से पॉलीसल्फाइड का इस्तेमाल करें, यह है पोटाशियम पॉलीसल्फाइड, 10 किलो एक बार आप पाशी के साथ फ्लड कर दें, फिर एक दो आप पाशियाँ जो हैं वो स्किप करने के बाद फिर डाल दें, ये 3 मरतबा ये डालें। ये इस वजह से मैं सुजेस्ट करता हूँ कि ये गिरने से कमाद को बचाता है, कमाद का वजन बढ़ाता है और कीड़े और बीमारी का हमला जो है ना उसको भी कम करता है। तो इन चारों में से आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना डिसाइड कर लें, ये हज़ार मन और इससे ज़्यादा पैदावार लेने वालों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मैंने रख दिए हैं।